ये देखिए जयंत क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? डिस्पोज कर रहा है बॉटल। डिस्पोज सबसे पहले दो तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बॉटल जो है ये देखने में तो फनी लग रहा होगा कि मैं डिस्पोज कर रहा हूँ, बैठ के इसको अलग से टाइम देंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें क्या है कि फिर वापस से अगर रिफिलिंग करना रहेगा ना इसको, तो ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये जो पानी यूज करते हैं नलके का पानी यूज करते हैं इसमें भर के इसमें लगा के सील करके, ठीक है, तो ये चीज मैंने काफी बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसको प्रॉपरली डिस्पोज करने के लिए दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले इसका जो कैप है उसका कैप निकाल के हल्का सा ऐसे करके मोड़ के इसमें डाल देंगे ना, तो ये निकलेगा ही नहीं कैप। हाँ। ये कैप निकलेगा ही नहीं, कैप नहीं निकल। दूसरा क्रश कर सकते हैं, ये बॉटल अभी क्रश नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सोए हुए हैं, अभी आवाज होगा, ठीक है। देखिए एक मैंने क्रश किया हुआ है, देख लीजिए पूरा कचूमड़ बना दिया इसका। हाँ क्रश किया हुआ है। और तीसरा क्रश करके दो होल इसमें कर दीजिए ऐसे, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हैं तो मिनरल वाटर बॉटल को अच्छे तरीके से डिस्पोज करिए, उसको रीयूज़ जब तक करना हो खुद कीजिए, और उसके बाद उसको प्रॉपरली डिस्पोज कीजिए, ताकि वो मैंने किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए रीयूज़ के चक्कर में। हाँ तो बस यही है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि कौन सा पानी इसमें आता है, ठीक है, आप कुछ मैंने अगर मान लीजिए कि कहीं अगर इमरजेंसी में कोई फंसा हुआ है तो ये उसको मजबूरी में ऐसे बॉटल्स खरीदने पड़ेंगे क्योंकि उसको मिलेंगे नहीं, मतलब गंदे पानी की वजह से फिर टाइफाइड वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। बहुत सारी बीमारियाँ, देखिए दुनिया में जो 80% बीमारियाँ हैं वो पानी से ही होती है, अगर पानी ठीक रखिएगा तो आपका जैसे अर्थ जो है वो ज़्यादा हिस्सा पानी है, उसी तरह बॉडी का ज़्यादा हिस्सा लिक्विड है, तो हमें पानी से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और खास करके आजकल का जो पानी आ रहा है उससे तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि घर पे आरओ वगैरह रहना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली आप मिनरल वाटर आरओ वगैरह नहीं भी है तो बॉयल भी कर सकते हैं। हाँ बॉयल वाटर पी सकते हैं, बॉयल वाटर भी पी सकते हैं, तो यही चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें जो दिमाग में रखनी चाहिए। स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको पीने के बाद में, हर तरीके से, मतलब बॉडी अगर पेन है, बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है तो हर तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करता है। जयंत का भी एक कौन सा वो था ना तुम्हारा क्या तो प्रॉब्लम, हाँ वो जयंत का एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था घुटने में। हाँ तो ये टर्मरिक टी वगैरह पिया था, काफ़ी आराम लगा था मुझे, लेकिन हाँ पहले तो बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा पेन होता था इनको, मतलब ऐसे तो ठीक हो गया था, रिकवरी अच्छे तरीके से हो गया था, रिकवरी जल्दी हो गया था, बट उसमें क्या है ना कि घुटने का मामला था ना, तो ये क्या है कि इसमें वो बॉल जॉइंट होते हैं, तो बॉल जॉइंट में क्या होता है कि वो जॉइंट जब ऐसे ऐसे हिलता है तो वो कभी ना कभी दिक्कत करता है, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि भाई पहला सीजन जो जाएगा
वो थोड़ा तकलीफदायक जाएगा, तो मैं तो उसके लिए प्रिपेयर था ही। और एक्सीडेंट जो हुआ था, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था इनका, और कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये स्टोरी जैन से सुनिए क्या हुआ था एक्चुअली। कहते हैं ना कि वो दिन खराब रहे तो प्याज के छिलके से पाव कट जाता है, तो वही हिसाब था। वाह वाह। तो मीन्स बाइक से नॉर्मली ड्राइव कर ही रहे थे, दोपहर का टाइम था और मैं एक कार थी और उसके राइट साइड से मैं सोचा कि ओवरटेक करके निकल जाऊं, क्योंकि कार धीरे चल रही थी और डिवाइडर था बगल में मेरे राइट साइड में। अब क्या हुआ कि वहाँ से ना लेफ्ट हैंड साइड से फुटपाथ से तीन चार औरतें दौड़ के रास्ता क्रॉस करने लगी, उनके पास बच्चे भी थे और डिवाइडर में एक छोटा सा मीन्स ये जो डिवाइडर था ना मेरे राइट साइड में रास्ते के बीच में जो उसमें एक छोटा सा गैप था और उस साइड में रास्ते के उस साइड में एक वो बस स्टॉप था। तो वो मैंने औरतें क्या सोची, गांव वाली औरतें थी तो उनको थोड़ा कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे रास्ता क्रॉस किया जाता है कैसे नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम। तो फिर उसको उनको मैं देखा ही नहीं क्योंकि वो जब कार धीरे चल रहा था वो सोची कि कार धीरे चल रहा है तो मैं कार के सामने से दौड़ के क्रॉस कर जाऊंगी, बट मैं इधर से बाइक से जा रहा था मैंने अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई लेफ्ट साइड से मेरे एक तुरंत ही कोई आ जाएगा और उस टाइम ठंड का सीज़न था। अब उसमें क्या होता है कि ठंड के सीज़न में क्या होता है, लेदर जैकेट, दिल्ली का ठंड जानते ही आप, लेदर जैकेट वगैरह और मैंने वो सब था तो अपने चल रहे थे और तुरंत ही वो सामने आ गई। तो दो औरतें ऐसी थी, मैं भी एकदम स्पीड में नहीं था, मुश्किल से 40 का स्पीड होगा मेरा बाइक का, दो औरतें मेरे बाइक से भी क्रॉस कर गई दो औरतें। जो तीसरी औरत थी वो ना घबरा गई कि मैं क्या करूँ, आऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि दो औरतें जब क्रॉस हो गई तो मैं और भी थोड़ा सा आगे निकल गया था, ब्रेक मैं प्रेस कर दिया था बट वो औरत क्या हुआ कि घबरा के ना मुझे ही टक्कर मार दी, मतलब वो पीछे भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि पीछे कार थी उसकी और आगे बाइक था तो आगे भी नहीं जा पा रही थी, वो इस तरफ आई तो मेरे कंधे से वो टकरा गई, मेरे कंधे से टकरा गई और मैं डिवाइडर के जस्ट एक फुट के गैप था ही मेरा डिवाइडर, मेरा और डिवाइडर के बीच में, और जब वो मेरे से टकराई ऐसे तो मेरा डिसबैलेंस हो गया, इस तरीके से मैंने बाइक मुड़ा मैं सोचा कि बाइक डिवाइडर से टकरा जाएगा, मैं सोचा कि बाइक को ऐसे लेके निकलूं, ऐसे मैं किया बाइक को, फिर वो घुटना सामने आ गया, एक्सपोज हो गया घुटना एकदम, वो घुटना एकदम टकरा गया मीन्स इसमें डिवाइडर में, तो वो बहुत नाजुक मीन्स जगह होता है घुटना और झटके से टकरा है, इसके वजह से दो दिक्कत आई, एक तो फ्रैक्चर हुआ और प्लस डिसलोकेशन हो गया था, तो मैंने काफ़ी पेन में था। फिर उसके बाद हमने वो प्लास्टर वगैरह करवाया, फिर जो दवाइयाँ चल रही थी और फिर घरेलू इलाज जो आपका टर्मेट्री वगैरह से काफ़ी सुधार हुआ, ये तो बाद में हुआ, मतलब सारा कुछ रिकवरी होने के बाद में ये स्टार्ट किया था। तो यही स्टोरी था दूसरे को बचाने के चक्कर में अपना घुटना जो है वो तोड़ करके आ गए थे घर, और वो दिन था 10th of January 2020। तो 2020 का जो स्टार्टिंग था वही हमारे लिए बहुत ही बेकार सा, एकदम मनहूस साल का स्टार्टिंग हमारा 10th of January से स्टार्ट हो गया था। कहते हैं ना कि जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो आगाज पहले ही हो जाता है, तो ये हमारा शुरुआती ऐसा था। उसके बाद मार्च तक रिकवर किया, मार्च नहीं, 10th of January का ऐसा मतलब हमारा सिचुएशन था कि उस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ और उसी दिन हम जो पुराने वाले घर में जहाँ पे रहते थे उनका जो लैंडलॉर्ड है, अंकल कहते थे हम उनको, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बच्चे भी नीचे जाते थे तो बच्चों से खेलना, उनसे बात करना, हंसी मजाक, सब चीज़ बहुत अच्छे थे वो, हाँ एज अ गार्जियन थे, मतलब मेरे पापा जयंत के पापा जब भी हमारे घर में आते थे तो उनसे गले मिलना, उनसे बात करना, मेरे पापा उनको बोल के जाते थे कि बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान रखिएगा, वो बोलते थे कि नहीं नहीं आप कोई टेंशन मत लो, ये इनका ध्यान मैं रखूँगा। तो उस दिन ऐसा मनहूस दिन था वो 10th of January कि उस दिन
इनका एक्सीडेंट हुआ और उसी दिन अंकल का भी डेथ हो गया था, उनका सडन डेथ हो गया था। हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन ऐसा मतलब उनको देख करके, दो तीन दिन पहले ही उनसे बात हुआ था जयंत का, तो उनको देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बिल्कुल बकायदा उन्होंने वो स्कूटर पे बैठ के, उनका बेटा जो दीपक भैया है, उनका बेटा स्कूटर पे बैठ के उनको लेके गया हॉस्पिटल, एकदम चलते फिरते एकदम हंसते खेलते गए, और एक दिन बाद ही ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि भाई वो नहीं रहे। तो और सेम हॉस्पिटल में जहाँ पे वो भर्ती थे उसी हॉस्पिटल में इनको लेकर के गए थे इनका एक्सरे वगैरह करवाने के लिए। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट मुझे पता भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि वही सेम हॉस्पिटल में वो भी है। तो मैं जाने के बाद में फिर कैसे ही करके पता नहीं कुछ ऐसा मैंने कुछ हुआ तो मुझे पता चला कि भाई शायद उससे एक दिन पहले मिलने भी गए थे ना उनसे हॉस्पिटल में। हाँ, वो आईसीयू में भर्ती थे, उनसे एक दिन पहले मिलने भी गए थे जैन। और उसी मतलब नेक्स्ट डे ऐसा मतलब हो गया और उसी हॉस्पिटल में इनका मतलब एक्सरे वगैरह हुआ, उसी हॉस्पिटल में वो भी भर्ती थे, उसी दिन इनका एक्सीडेंट हुआ, उस दिन उनका डेथ हुआ। सेम डे पूरा मतलब घर आ रहे जैसे हॉस्पिटल से। एक बहुत अच्छा आपको मैं बताऊँ कि अच्छा नहीं मतलब क्या एक मतलब ये होता है कि जैसे मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं मिला भैया से, मैं मिला उनसे पूछा कि भैया अंकल कैसे हैं, तो बोलते हैं ठीक है सब कुछ ये है वो है, थोड़ा सीरियस है ऐसा है वैसा है, आईसीयू में है। हॉस्पिटल से मैं घर आए होंगे और जैसे घर की गली में घुस रहे हैं वैसे ही रोना धोना स्टार्ट पूरा एकदम ज़ोर से। मैं बोला क्या हो गया भाई इतना रोना क्यों, ऐसा मेरे को पता नहीं था कि क्या। हॉस्पिटल में ठीक थे और घर आते आते, मेरे घर आते आते उनका डेथ का खबर यहाँ पे आ चुका था। फिर मैं ऊपर भी नहीं गया, फर्स्ट फ्लोर में अपने रूम में भी नहीं गया, अपने फ्लैट में नीचे ही बैठा था। फिर सबसे बात बात किया पहले कि भाई क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। तो मैं जस्ट वही है कि ज़िंदगी का कुछ ठीक नहीं होता कि कब किस पल वो जो दिन था ना वो मतलब इमेजिन करना, वो दोबारा से जब भी वो दिन याद आता है तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते नीचे। इतना ज़्यादा मतलब ऐसी मतलब सिचुएशन थी, रोना धोना ऊपर मैं जा नहीं पाई, मिल नहीं पाई क्योंकि मेरा ये फ्रैक्चर, ऊपर से दो बच्चे ठीक है, और घर में कोई नहीं, पापा भी नहीं थे कलकत्ता में, कोई भी नहीं था घर में, बस दो बच्चे थे। जब मैंने इनका एक्सीडेंट का सुना तो नीचे वाली वही मतलब जो लैंडलॉर्ड जिनका जो डेथ हुआ था उन्हीं की जो बहू है तो उनके घर में बच्चों को छोड़ करके गई थी मैं, अकेले उनके घर में थे बच्चे, उनको छोड़ करके मैं गई थी इनको, फिर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे उनको कलेक्ट किया। मेरे घर से एक्सीडेंट का जो मैंने ये था जहाँ पे मैं था वहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर था। मैं वेस्ट दिल्ली में मैं रहता था और मेरा एक्सीडेंट हुआ था लाजपत नगर में और मैं पहुंचा था नोएडा में। तो वेस्ट दिल्ली से नोएडा का सफ़र ये वैसा है मतलब कि काम ऐसा मतलब दिमाग में काम का फितूर है कि एक्सीडेंट हो गया ठीक है, चोट लग गया घुटने में, फ्रैक्चर हो गया, फिर भी काम पे गए हैं बाइक पे। हाँ बाइक पे काम पे गए, उस समय समझ में एक्चुअली आया नहीं था कि फ्रैक्चर हुआ है, हल्का फुल्का थोड़ा कैसा, हल्का फुल्का नहीं दर्द था लेकिन 10-15 मिनट वहाँ पे बाइक स्टैंड करके उसके ऊपर बैठ के पानी वानी पिया ना तो मैं थोड़ा हल्का सा ये लगा। और मेरे को मीटिंग एक था तो मैं सोचा कि भाई मीटिंग अटेंड करके फिर मैं कॉल करूँगा अपने बॉस को कि भाई मेरा एक दिक्कत हो गया मैं घर जा रहा हूँ। मैं सोचा कि भाई तब तक ठीक है साथ दे देगा, क्या है पेन किलर एक खरीद के खा लूँगा रास्ते में। अब वहाँ मैं लाजपत नगर से नोएडा पहुँचा हूँ और देख रहा हूँ कि पूरा पैर एकदम सूज के ऐसा हो गया इतना, और मैं बाइक से उतर भी नहीं पा रहा हूँ तो बेहोश हो गया पूरा मतलब बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन करके बोल रहे कि नहीं ऐसा ऐसा बात हुआ है कि एक्सीडेंट, मैं मेरे दिमाग मतलब एकदम काम करना बंद हो गया कि क्या हो गया कैसे हो गया और मतलब क्या मतलब मैं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसको बोलूँ क्या करूँ नीचे। एक्चुअली बोल सकती थी मैं कि एक बार जा करके, लेकिन उनका भी सिचुएशन ठीक नहीं था उनके घर का, इसलिए मैं उनको भी नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी। तो अंकल भी शायद मेरे ख्याल से हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो वहाँ से फिर मैं गई यहीं पे नोएडा नोएडा में आई और फिर उसके बाद में इनको वहाँ से कलेक्ट किया, पिकअप किया
हॉस्पिटल गए हम लोग, वहाँ पे मेरे यहाँ पे कजिन ब्रदर रहते हैं, उनको फोन कर दिया था तो वो तुरंत आ गए थे, कार लेके आ गए थे। हाँ, वो तुरंत अपना कार लेकर के आ गए थे। फिर वहाँ पे जब वो पहुँच गए तो फिर मैंने कहा कि भैया अब यहाँ से आप देखो, क्योंकि घर में बच्चे भी रो रहे थे मेरे बिना, फिर वो अकेले रहे नहीं है कभी भी, तो वो रो रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ से आप देखो, मैं अब घर जाती हूँ क्योंकि घर में बच्चे भी रो रहे हैं। तो वहाँ से फिर उन्होंने फिर टेक ओवर किया, उन्होंने फिर सारा कुछ एक्सरे वगैरह सारा कुछ करवाया, करवा करके फिर इनको घर में लेकर के आए। इनको लेकर के आना मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ाना बहुत मुश्किल का काम था, बहुत बहुत मतलब खड़ी चढ़ाई थी सीढ़ी की, जय माता दी वाला, इतना बड़ा बड़ा सीढ़ी था, नहीं सॉरी सीढ़ी ठीक था लेकिन वो थोड़ा मैंने खड़ी चढ़ाई थी और सीढ़ी का जो विद था वो बहुत कम था। तो एक तो पैर चोटिल, ऊपर से नया नया चोट, बहुत दर्द हो रहा था, ठंड का सीज़न में जानते ही हल्का सा भी लग जाता है तो कितना दर्द होता है। तो हाँ, दैट वाज अ टफ डे। और बहुत बहुत टफ डे था। और उसके बाद जो रिकवरी का जो फेज था, जो पीरियड था, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला था। लेकिन फिर मैंने ऑल थैंक्स टू मम्मी पापा आ गए थे तुरंत सुन के कि भाई नेहा के मम्मी पापा आ गए थे। एक एक हफ्ता तक तो मुझे अकेले सारा कुछ देखना पड़ा था। एक वीक तक पूरा मतलब बच्चों को देखना, इसको मतलब टाइम टू टाइम खाना देना, दवाई देना, सब कुछ। पांव मतलब हिलाना नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया था डिसलोकेशन की वजह से, थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ था, ऊपर जो रखा था तो रखा ही रहता था, तो उसकी वजह से फिर मम्मी पापा फिर आ गए। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, बहुत ज़्यादा आराम मिला। फिर मुझे मतलब कुछ काम मम्मी कर देती थी, कुछ पापा कर देते थे, जैसे डॉक्टर के पास ले जाना तो वो पापा कर देते थे, खाना बनाना घर में बच्चों को देखना वो मम्मी कर देती थी, क्योंकि डॉक्टर के पास में फिर पापा अकेले तो ले नहीं जा सकते थे, तो मैं भी जाती थी साथ में। तो घर में मम्मी सब बच्चों को संभालना, खाना बनाना सारा कुछ मम्मी फिर करना, तो वही चीज़ है। तो ये स्टोरी थी, इम्पोर्टेंस पता चलता है एक जॉइंट फैमिली का। हम बिल्कुल मीन्स बहुत मिस करते हैं अपनी फैमिली को कि भाई मम्मी पापा या पापा या कोई भी रहता है तो एक एक मैंने एक सपोर्ट रहती है, मीन्स ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है मीन्स मम्मी पापा या फिर किसी बुजुर्ग के घर में रहने से। और हम मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि इन लॉज में मेरी मदर इन लॉ है नहीं, हो गया। खैर जो भी है, यही था स्टोरी हमारा। एक टर्मरिक टी से स्टार्ट किया था, मेरा टी ठंडा भी हो गया, जैन ने पूरा पी लिया है। तो खैर यही था स्टोरी, और इसका मतलब यही इम्पोर्टेंस मैं बताना चाह रही थी कि इसका मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, जो फास्ट रिकवरी होता है इसमें, किसी भी तरह का अगर बॉडी पेन होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, वेट लॉस में फ़ायदा करता है, लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस भी करना पड़ता है, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस इसको जो मैं अभी पी रही हूँ वो इसीलिए पी रही हूँ कि थोड़ा सा ना मुझे आजकल थोड़ा सा लेथर्जी टाइप का लगने लग गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ ना अच्छा कुछ ड्रिंक्स वगैरह पिया जाए, इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स वगैरह पिया जाए, तो बस इसी के लिए स्टार्ट किया। जयंत का एक्चुअली क्या हुआ है ना कि ये फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है आज टर्मरिक टी बनाते हैं, वो पीते हैं और आपके साथ थोड़ा बहुत बात करते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात हो गया, लंबा बात हो गया आज का, तो अभी मैं इसको फिनिश करके फिर उसके बाद जाती हूँ, पराठे वगैरह बनाती हूँ, आलू का पराठा बनाना है, दोपहर का खाना का सारा तैयारी कर दिया। ये दोनों छुटका छुटकी लोग अभी सोए हुए हैं, आज बहुत लेट हो गया इनका उठने में, सुबह को 6 बजे का उठे थे, फिर उसके बाद दोबारा सो गए, तो अभी तक सोए हुए हैं। तो खैर कोई नहीं, सुबह को जब उठते हैं तो थोड़ा बहुत वो हेल्थ ड्रिंक वगैरह जो भी होता है वो दूध में मिला करके इनको दे देती हूँ कि मतलब पेट खाली ना रहे इनका, तो जब उठेंगे फिर उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। चलिए मिलती हूँ अब नाश्ते के टाइम पर। तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा स्लाइट चेंज हो गया है, क्योंकि जैन ने कहा कि आलू का पराठा उन्हें नहीं खाना है, तो हमने आलू तो बॉईल कर दिया था मैंने, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है पूड़ी बना देती हूँ, साथ में आलू और मेथी का सब्ज़ी बना दिया था मैंने। तो बस ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, और व्लॉग को अब मैं बस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और इम्प्रूव करने का और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाने के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थिंक पॉजिटिव।